पीलीभीत जनपद से है जहां राधे श्याम थाना हजारा निवासी के मोबाइल नंबर पर दो नंबरों से लगातार फोन आ रहा था तथा मानसिक रूप से राधे श्याम को परेशान किया जा रहा था। जब राधे श्याम ने पूछा कि बार बार फोन क्यों लगा रहे हो, इसी बात पर गाली गलौज करने के बाद जानकारी हुई कि गुरदीप पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम नहरोसा थाना हजारा किसी बात को लेकर राधे श्याम की पत्नी सुशीला देवी को मारा था, जिससे में सुशीला देवी रुबीला लीलावती को गंभीर चोटें आई हैं। तभी से राधे श्याम को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे। राधे श्याम का आरोप है कि उसे इन लोगों से जान माल का खतरा पैदा हो गया है। इसी को लेकर राधे श्याम ने प्रार्थना पत्र थाना हजारा में दिनांक 14/7/2021 को दिया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके बाद राधे श्याम ने पूरनपुर सीओ को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? राधे श्याम। क्या समस्या आपकी है? समस्या है, गुरदीप फोन कर रहा था सर। अच्छा। इसको मैंने मना किया, इसने गाली दी। अच्छा। गाली दी, मैंने भी गाली दी। मैंने गाली दी तो इसके घर वाले सब डंडा लाठी लेकर निकल पड़े, हमारे घर में आके घुस पड़े, सबको मारा, लीलावती रूजी को, सुशीला देवी को, सबको मारा। अच्छा। इसकी भी आपने तहरीर कहाँ दी? हजारा थाने। हजारा। अच्छा। दी कार्रवाई कुछ नहीं? कार्रवाई कुछ नहीं हुई, दो लोगों को पकड़ा गया था, वो छोड़ दिए। आज आप कहाँ आए हो? पूरनपुर। अच्छा। यहाँ किसके सामने गए आप? तस्वीर शिव के पास। अच्छा। अच्छा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा है, जाओ बेटा, तुम्हारा मुकदमा लिख दिया गया, अगर मदद की जाएगी। मदद की जाएगी।